आम आदमी को पोषण आहार के प्रति जागरूक करने के लिए देश भर में सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान पोषण आहार के प्रति जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियां हो रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कटनी के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के तीसरे सप्ताह में पूरक आहार सप्ताह शुरू हो गया है। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर मंगल दिवस आयोजित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी स्तर पर हो रहे इन कार्यक्रमों में माताओं और शिशुओं को पोषण आहार के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मेरी बेटी 2 साल की है, रोज आंगनबाड़ी आती है, हर महीना वजन होता है और कुछ भी परेशानी रहता है तो आंगनबाड़ी वाली लोग बताती हैं। एनीमिया से खून की कमी होती है, जो कि एनीमिया उसको कहते हैं, उसमें महिलाओं को पोषण आहार में क्या क्या खाना चाहिए। महिलाओं को चना गुड़ खाना चाहिए, सभी प्रकार की दालें खाना चाहिए। हम बच्चों को भी सभी प्रकार की दालें सब्जियां फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे बच्चों का ब्लड हीमोग्लोबिन अच्छा हो सके और महिलाओं का भी हीमोग्लोबिन अच्छा हो सके। इस एज तक बच्चों को क्या खिलाना है, किससे उनका वजन बढ़ेगा, उनकी हाइट बढ़ेगी, और हर माह बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में लेकर आना है और उन्हें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं वो बच्चों को सालापूर्व शिक्षाएँ भी देती है, पढ़ाती भी हैं और समय समय में महिलाओं को उनके खान पान के विषय में सब जानकारियाँ देती हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान कटनी जिले में समग्र पोषण पर जोर दिया जा रहा है। जीवन के विभिन्न चरणों जैसे गर्भावस्था, नवजात, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के दौरान किन पोषण आहारों की कितनी मात्रा जरूरी है, इसके बारे में माताओं और बच्चों को जानकारी दी जा रही है। जिला महिला बाल विकास और विभाग के तत्वावधान में पोषण आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों में मोटे अनाज का महत्व प्रमुखता से बताया जा रहा है। स्त्री माताओं का अच्छा स्वास्थ्य हो, हमारे बच्चे कुपोषण से बाहर हो, किशोरी बालिकाएं भी का स्वास्थ्य सही रहे, साथ ही हम लोग जो हमारे बच्चे किशोरी बालिकाएं और गर्भवती माताएं हैं उनका हेमोग्लोबिन टेस्ट भी करा रहे हैं, ताकि हमें ये भी जानकारी हो कि हेमोग्लोबिन की क्या स्थिति हमारे हितग्राहियों को है और उनको और बेहतर पोषण कैसे दिया जा सकता है। जो बच्चे सेम और मेम है उनके माता पिता को बुलाकर समझाई दी जा रही है कि अपने बच्चों को कैसे आप पोषण आहार खिलाएं, क्या खिलाएं, ताकि उनकी वजन और लंबाई बढ़े, और जो बच्चे सेम में हो रहे हैं उनको एनआरसी में भर्ती कराने की सलाह दी जा रही है। ऐसे ही करके प्रत्येक सप्ताह की अलग अलग थीम पर ये कार्यक्रम पूरे सितम्बर माह चलाया जाएगा। पोषण आहार के प्रति जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे इन कदमों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। पोषण अभियान के क्रियान्वयन में कटनी जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।